Regarding the different types of disabilities, as we discussed the last topic, disabilities disorder. Difference between disability and disorder. First of all, we discussed it. Any disability is a restriction of the function or movement of a person. Which restricts the function of movement of the person. And so that it is partially perfect in the life of person for doing your regular activity, जो भी हम अपनी लाइफ में अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं, उसमें अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है, एंड वी नो डिसेबिलिटी इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट इज फ्रॉम द बर्थ एंड टिल द एंड. The disorder is a psychological. Disorder problem of dependency illness which affects someone's mind or body. It is related to your mental or physical problem that enters normal function of. इसमें आपको पता चलेगा अभी हमने भी स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर. ये आपको साइकोलॉजिकल समझना है कि डिफरेंट आपके कैटेगरीज हैं, वो फाइव कैटेगरीज उन्होंने दिए हमको. दैट विल बी डिस्कस आफ्टर द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर. दीज आर द सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. ऑटिज्म है, ठीक है, ओएसडी है, ऐसे फाइव डिफरेंट डिसऑर्डर्स है. आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड थर्ड वन इज फिजिकल. These are the different three types of disability. First of all, we discuss cognitive disabilities. What are the cognitive disabilities? और इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? माइंड का आपका मेमोरी का कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है? कम्युनिकेशन पावर कम हो जाती है, आपने समझा स्टूडेंट वेरी स्लो लर्नर, ठीक है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम. अब हमने क्या किया, हमने बच्चों को डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चों को हमने देखा उनका माइंड का हम क्या करते हैं, माइंड की प्रैक्टिस करते हैं उनका. आपने देखा होगा
स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी स्लो लर्नर, उसको हम बोलते हैं समटाइम्स वी से कि स्टाइल की लेवल कैसा है या लर्निंग स्किल्स कैसा है, तो आपकी होती है दैट इज ओनली व्हेन आई फॉलो दिस कॉग्निटिव फिजिकल इंटेलेक्चुअल ये सारी चीजें जब अच्छी होती है तो उसी करके कौन बोलते हैं वी होती है दैट फॉर ग्रेट। जो बच्चे हैं स्टार्टिंग से मे बी द कॉम्बिनेटिव इफेक्ट इज इन जेनेटिक हेरिडिटी ठीक है, दिस इज हेरिडिटी मूव बाय द बर्थ जेनेटिक इसको बोलते हैं हेरिडिटी के लिए ठीक है, एनवायरनमेंट फैक्टर से हो सकती है जेनेटिक से हो सकती है, बट दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज दे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देयर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन इन लर्निंग थिंकिंग ठीक है, कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक कर सकते हो कोई भी मतलब कोई भी चीज को परसीविंग करना अंडरस्टैंड करना इसमें उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इट टेक मोर टाइम समटाइम्स इट टेक मोर टाइम फॉर स्पीकिंग वॉकिंग एंड देयर कुड बी अ प्रॉपर केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स एट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट दे नीड अ मोर एंड मोर केयर पर्सनल केयर आपको मोस्टली सारे क्या होता है एक जेनेटिक आपका जेनेटिक देन एक्सीडेंट उससे ये then wrong medication sorry medication sometimes koi aap medication hai wo galat use kar jaate hain usse bhi problem aa sakti hai life ke liye bhi problem aa sakti hai toxic sometimes shock kar jaata hai kya kya ho jata hai wo bolte na usko particular incident se other shock lagta hai that may be the what causing of this cognitive disability. There are so many reasons. Then drug and alcohol have are you different state reasons to say positive or something. Then intellectual disability and intellectual disability of the affection of neurological psychiatric mental retardation ठीक है, इसमें न्यूरोलॉजी का जिसको बोलते हैं इसमें क्या होगा आप किसी चीज को क्या करते हैं जैसे समझाइए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कॉम्प्लिकेशन और ठीक है क्या है कोई चीज परसीव एंड प्रोसेस उसमें विजुअल और स्पेशल इंफॉर्मेशन और सेकंड या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इट इज डिफिकल्ट for the children to understand that thing or push what you call that person intelligence may be able to do intellectual intelligence is to come higher open is the flow flow is the other jahan bolte hain the average or below average so this type of disabilities affect that particular person उनका उसको हम क्या कहते हैं एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज है, तो वो कैटेगरी फ्रॉम जीरो से अब इसमें ये नहीं है ना प्रॉब्लम वो आपको वही मिलेगी जेनेटिक बाय बर्थ ठीक है या समटाइम इंटेलिजेंस प्री नेचुरल ग्रीन ऑफ द बेबी इट मे बी वन ऑफ द कॉजेज
each type of HCM का मीन क्या होगा नेक्स्ट वेट देरी जब प्रॉब्लम हो वो किसी फोकस करना चाहिए इसको हमने कंसंट्रेट करना है अगर आप वो भी नहीं करते नेक्स्ट वेट क्या प्रॉब्लम आएगा आपकी शरीर पे प्रॉब्लम आ रही हो केले सबसे मीन क्या होता है बच्चा केले का स्टिक करे एंड कोई भी अगर किसी काम को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है फोकस नहीं कर पा रहा है तो आपके एरर के कारण से वहां पे ज्यादा हो जाता है तो And what happened? Error of that particular activity is the chances of error is more. Simple and simple, हम जो काम कर रहे हैं, कोई भी activity कर रहे हैं, sports कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, learning जब भी मैंने उसके कारण activity learning, इसको बोलते हैं learning skill. अगर हमारा focus नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, we can't sit properly. ठीक है? Physically or mentally, so we can't get that activity in our mind. So that is the main reason. So, कोई भी अगर आपको टास्क बनाया काम हो अपने किया है तो वहां पे दैट चिल्ड्रन हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट एक्टिविटीज उनकी गलतियां बहुत होती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन ठीक है वो फोकस नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली और उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग होते हैं समटाइम्स इन अदर स्मोकिंग ड्रिंक्स इज आल्सो बहुत ठीक है बहुत ज्यादा देना कोई ब्रेन इंजरी होती है या सबसे रिगार्डिंग ये दीदा तो सम ऑफ द सिस्टम नेक्स्ट आपका आ जाता है एसपीडी ठीक है एसपीडी सेंसरी प्रोसेसिंग ठीक है आपका जो एस है सेंसरी जो सेंस से रिलेटेड आपका होगा दैट इज सेंसरी सेंसरी को सेंसिंग डिस ऑर्डर This is one of the dysfunctions of your neurological disorder. In this information that you don't perceive, okay, so we have information, the sensory information that we receive, perceive. ब्रेन और माइंड का जो हमारा ब्रेन और माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है हमको इंपल्सिव सेंसेस के थ्रू हमको ब्रेन में क्या होता है टास्क होता है कि हमको वो एक्टिविटी by immediately this force is stimulated ठीक है by any signals से हम एकदम वर्क आउट करते हैं we have seen when there is a start of 100 meters ठीक है there is a gunfire
What happened? Immediately we have to run. हमको एकदम हम response करते हैं. So that is the main. Whenever any responses, when any message go to brain, ठीक है, तो हम immediately हम workout करते हैं, उसको respond करते हैं, signal for appropriate response. But the children, those who are suffering from this disorder, they have a problem regarding this response. इसमें आपका बेटा जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओडीडी, इसको आपने ओ से याद रखना है, ओपोजिशनल. ओपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर. ठीक है, ओपोजिशनल डिसऑर्डर, देन ऑटिज्म. ऑटिज्म आपने सुना होगा, इस पे एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी है. Regarding these type of different children having the problem with autism. ठीक है, OCD is obsessive. अब हमने ये आ गया आपका हाइपर एक्टिविटी, इनको प्रॉब्लम है रिगार्डिंग सिटिंग, वॉकिंग, कन्वर्सेशन, ठीक है, रीजनिंग. नेक्स्ट आपका सेंसरी प्रोसेसिंग. ओडीडी मींस ओपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर. इसमें मेन प्रॉब्लम बेटा क्या होती है चिल्ड्रन में, दे आर द नेगेटिविटी इन देयर बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं डिसओबीडियंट. ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग, आर्गुइंग. हर चीज में वो क्या करेंगे, गलतियां निकालेंगे, आर्गुमेंट करेंगे. ठीक है, कोई चीज आप उसको बोलोगे, थिंग्स दैट विल बी एनॉय अदर पीपल, मिस्टेक होगी है, कोई आपका मिसबिहेवियर है. ठीक है, एंड ऑलवेज दे आर आर्गुइंग विद द टीचर्स, इवन पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशली व्हेन दे हैव अ टायर्ड हंगरी अंडर स्ट्रेस एंड टेंशन. वो मतलब हर चीज में दूसरों की गलतियां निकालेंगे. दे हैव ए सच टाइप ऑफ बिहेवियर. ऑटिज्म बेटा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम disorder is a disability that can cause social communication, behavior challenges,
एंड बेटा पीपल विद दिस डिसऑर्डर में कम्युनिकेट इंटरेक्ट डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल्स मोस्टली व्हाट हैपन नो इंटरेस्ट इन अदर पीपल दे हैव अ सच ए नेचर एंड दे ऑलवेज अवॉइड आई कॉन्टेक्ट ठीक है किसी से आई कॉन्टेक्ट नहीं करते एंड दे आर नॉट सोशल दे हैव अ डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन उनका किसी भी दूसरे आदमी पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता अदर पीपल दे डोंट वॉन्ट एनी थिंग दे कीप देम सेल्फ बिजी विद देयर ओन एंड लास्ट वन इज ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ठीक है इसमें क्या होता है सिंपल है अनवांटेड थॉट्स जो आती है कोई भी एक्टिविटीज को आप बार बार करते रहते हो दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन दे हैव अ हैबिट उसको आप कह लो कि कोई एक्टिविटी को अगेन एंड अगेन करना अगेन एंड अगेन Rapidly, what they are doing, they are washing their hands regularly, बार बार धोते रहेंगे hands को ठीक है They have a fear that their hand, dirty hands है या कोई germs ना हो ठीक है या sometime what they are doing, again वो देखेंगे कि door पे bolt लगा हुआ है कि नहीं door बंद हुआ है कि नहीं चीजों को बार बार सिमेट्री में रखते रहेंगे ठीक है वो मतलब कोई एक्टिविटी को बार बार करते रहेंगे दे हैव सम डाउट टाइप ऑफ नेचर ठीक है फियर उनमें होता है इसीलिए वो ओबेसिव उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी कंपल्सिव डिसऑर्डर किसी काम को बार बार अगेन एंड अगेन करना है